गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज की जो वीडियो को प्री सेट है वो अमेरिकिंग प्री सेट है जस्ट वन क्लिक में आपकी फोटो को एडिट करेंगे किसी भी कलर टोन में आप अपने फोटो का कलर जस्ट वन क्लिक में चेंज कर सकते हैं जैसे ही आपने थंबनेल में कलर ग्रेडिंग कर रही देखी है वैसे ही प्री सेट कलर ग्रेडिंग करेंगे जस्ट वन क्लिक में आप इनको यूज कर सकते हैं तो इन प्री सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आपने जाकर डाउनलोड करनी है फाइल लेकिन इसकी फाइल को सिक्स डिजिट का पासवर्ड मिल लगा हुआ है जो आपको इस वीडियो के अंदर ही ऊपर वाले साइड पर आपको राइट साइड पर शो हो जाएगा तो पासवर्ड तीन ही में डिवाइड होगा पहले से मैं दो होंगे दूसरे

को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन के नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें तो बताता हूँ ये प्रीसेट आप कैसे यूज करेंगे कैसे इनको लाइट एप्लीकेशन में इंपोर्ट करेंगे और कैसे लाइटो एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके आप अपने फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं तो पीछे मैंने आपको दो डिजिट शो करवा दिया पासवर्ड के आपको फिर दो होंगे फिर दो डिजिट होंगे तो, तो टोटल सिक्स डिजिट का पासवर्ड होगा जब भी आपको मिल गया तो आप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके इजिली इस तरह के जो प्रीसेट सेट यूज करके जस्ट वन क्लिक में अपनी फोटो का कलर किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं तो चलता हूँ बताता हूँ ये प्रीसेट आपने कैसे लाइटो एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट करना तो सबसे पहले आपने गोवा प्ले स्टोर को ओपन कर लेना ओपन करने के बाद आपने क्या करना ऊपर सर्च कर लेना जेड चीवर जेड चिवर सर्च करने के बाद आपने क्या करना इस एप्लीकेशन को आपने सिंपली डाउनलोड करना डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना सिंपली इसको ओपन कर लेना ये आपके पास इस टाइप से ओपन हो जाएगी तो यहाँ से आपने अपने पीसेट ऑन लेना आपके जो प्रीसेट वो पड़े होंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में सिंपली आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना जो आपके पास जिस फाइल डाउनलोड होकर आएगी वो क्या करना उस पर क्लिक करना क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट हर पे क्लिक करना वो आपके पास एक प्रीसेट वाला फोल्डर क्रिएट होकर आ जाएगा तो उसके बाद आपने प्रीसेट किस तरह इम्पोर्ट करने तो सिंपली आपने क्या करना सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा एंड देन यहाँ से आपने क्या करना है एक पिक को करना सेलेक्ट सेलेक्ट तो स्लक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी प्रीसेट या फिल्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो लाइट्रोम एप्लीकेशन में नीचे वाले साइड पर आपको काफी सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है तो सिंपली आपने प्रीसेट्स पे करना क्लिक करना सेलेक्ट तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी प्रीसेट या फिल्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम अपनी फोटो को एडिट कर सकें तो प्रीसेट या फिल्टर इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना सिंपली आपने थ्री डोड पर क्लिक करना थ्री डोड पर क्लिक करने के बाद आपके तीन ऑप्शन आ प्रीसेट मैनेज प्रीसेट्स और इम्पोर्ट प्रीसर्ट्स तो यहाँ से सिंपली आपने इम्पोर्ट प्रीसेट्स पे करना क्लिक तो इम्पोर्ट प्रीसेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ के पास कोई भी इंटरफेस ओपन होता है आपने किसी भी इंटरफेस को टचिंग करना ओपन करना है तो प्रीसर्ट इंपोर्ट करने के लिए क्या करना ऊपर आपने तो सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद रीसे में आपका फोल्डर किसी भी चीज में ओपन है इमेजेस में ओपन है वीडियोज में ओपन है ऑडियोज में या डॉक्यूमेंट्स में किसी भी चीज में ओपन आपने किसी भी फोल्डर को टचिंग करना ओपन करना तो सिंपली आपने यहाँ से ये यह वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है और इसे पे कर देना है क्लिक तो क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा इस टाइम में या इस टाइम में तो यहाँ से आपने अपने प्रीसेट प्रीसटेटर आपके जो प्रीसेट है वो पड़े होंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में सिंपली आपने चले जाना डाउनलोड वाले फोल्डर में तो आप मेरे जो प्रीसेट है वो पड़े होंगे आप प्रीसेट फोल्डर में मेरे फोल्डर है सिंपली मैं यहाँ चला जाऊंगा प्रीसेट फोल्डर में प्रीसेट 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 फोल्डर में आ जाने के बाद के, मैं मैं तो के बाद आज जो है है वो एडिटिंग का आप ये मैं सिंपली आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ किस तरह की कलर एडिटिंग करेंगे तो सिंपली इनको मैं ओपन ओपन कर करने के बाद आपने क्या करना आपके पास ओपन हो जाएंगे रेड डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके पे दो ऑप्शन आ ऑल जा तो यहाँ से अपने सिलेक्ट ऑल कर देना जिससे सारे पीट पूरी की पूरी फाइल एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी आपको एक एक दो दो तीन तीन चार चार इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है उसके बाद आपने क्या करना सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक कर देना सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे जो प्रीसेट है वो लाइटोमा एप्लीकेशन में प्रोग्रेस में चले जाएंगे अगर यहाँ आपके प्रीसेट एप्लीकेशन तो आप में इंपोर्ट नहीं हो रहे आपके पास कोई इशू आ रहा है तो आपने क्या करना अगर आपके पहले से कोई भी, भी लाइटो एप्लीकेशन में प्रीसेट इंपोर्ट पड़े हैं तो पहले आपने उनको डिलीट करना डिलीट करने के बाद आपने ये वाले प्रीसेट दोबारा से इंपोर्ट करने आपके जो प्रीसेट है वो लाइटोमा एप्लीकेशन में इजीली इंपोर्ट हो जाएंगे और आप जस्ट वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकोगे तो यहाँ से हमने थोड़ी देर वेट कर लेना वेट करने के बाद यहाँ से हमारे जो प्रीसेट है वो लाइटोम एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो चुके हैं चार से पांच फोल्डर में एक ये फोल्डर पड़ा है उसके नीचे आप देख सकते हैं काफी सारे फोल्डर्स में जो है इंपोर्ट हो चुके हैं तो सिंपली मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं प्री है जो ओपन हो चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट वन के क्लिक में आपकी फोटो को एडिट करेंगे किसी भी कलर टू में आप अपनी फोटो को जस्ट वन क्लिक में एडिट कर सकते हैं तो जिस मैंने पेड प्रीसेट यूज करने है या पे करके यूज करना चाहता हूं तो वीडियो को नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो शोर आ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पे पेड प्रीसेट ले भी सकते हैं अपनी फोटो एडिटिंग भी करवा सकते हैं और अपने नाम के भी प्रीसेट बनवा सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक के प्रेस कर दो वीडियो को लाइक कर दो तो इन शाला मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ